हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज हम मेरा जो नया बैच है, बस दो दिन हुए ना क्लास के, तीन दिन हो गए चार दिन। तो हम लोग एक फीडबैक वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि नॉन एडिट रहेगा। इस वीडियो को हम लोग एडिट नहीं करेंगे और आपके जो चीज़ें मैं आपको सिखाई गई हैं, कैसा सिस्टम है, अपना नाम बताएंगे, कहाँ से हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं। जी सर, मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं यूपी के रायबरेली शहर से हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ पे सिखाने का तरीका, या आपका माहौल कैसा है, सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? जी सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मज़ा आ रहा है? जी सर, मतलब खेल खेल में एक हिसाब से ये नहीं, बर्डन नहीं फील हो रहा है कि नहीं हम बहुत बोझ टाइप का कुछ लग रहा है, मज़े से बिल्कुल नॉलेज भी हो रहा है और इन्जॉय। जैसा भी आपने पूछा था भाई साहब से कि नींद आ रही है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप अपना नाम बताइए, पकड़िए इसको। सर, मैं भार्गव कलिता हूँ, असम गुवाहाटी से। तो वैसे यहाँ पे तो जिस हिसाब से सोचा था उससे भी बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि सिखाने का जो तरीका है यहाँ पर वो एकदम मतलब दिल को भाग गया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रैक्टिकल भी बहुत बढ़िया हो रहा है और ऊपर से जो आप हमको सिखाते हैं वो मतलब एकदम डायरेक्ट घुस जाता है दिमाग में, वही सबसे बढ़िया लगा। थैंक यू। आपका क्या नाम है बताइए? अरुण वर्मा, रायबरेली से हैं। अरुण वर्मा रायबरेली से। आपका लैपटॉप में एडमिशन है? लैपटॉप में। तो चीज़ें अभी आपको दो दिन हुए लगभग, शायद आए तीन दिन, तो क्या है यहाँ का मतलब, लग रहा है कि आप सीख पाएंगे यहाँ पे, नहीं सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई जाए, बेसिक चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से बताई जाए। अच्छा अच्छा, इनको दीजिए। कहाँ से हैं आप? सर मैं MP बालाघाट से हूँ। MP वाला नाम क्या है? राजेश कुमार दमा। राजेश कुमार दमा है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे सीखते हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज़ें? बिल्कुल प्रैक्टिकल कराया जा नहीं जा रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर जी, सॉफ्टवेयर की क्लास 2 घंटे लग रही है, प्रैक्टिकल की 2 घंटे लग रही है और साथ में 4 घंटे प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिकल हो रहा है। थैंक यू, तो बढ़िया हो। आप बताइए। जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम आबिद हुसैन है, मैं बरेली से हूँ। बरेली से हैं जी। अच्छा, जैसे मतलब कि अदर इंस्टीट्यूटों में क्या होता है कि मोबाइल का ही सिर्फ कोर्स कराया गया और सिस्टम क्या बना दिया गया कि CCTV का अलग, इन्वर्टर का है। तो अगर सब लोग का एक बार फोटो ले लीजिए, तो रियलिटी बताइए कि यहाँ पे जो आप हम मोबाइल रिपेयरिंग आपको सिखा रहे हैं तो किस किस मदरबोर्ड पे और एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं? सर लैपटॉप है, लैपटॉप में है, चार्जर है, SMD का भी हमको कुछ थोड़ा बहुत दिखा है, SMD चार्जर, इन्वर्टर, TV, ये सब एक ही क्लास में दे रहा है, उसके एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ी है? नहीं नहीं सर, कोई नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? रवि शर्मा है। रवि शर्मा जालौन से है। सर जालौन से है, तो समझ में आ रही चीज़ें नहीं आ रही हैं? हाँ, समझाने का तरीका इजी है, बहुत आसानी समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। आप बताइए। सर माय नेम इज संजय निषाद। संजय थोड़ा तेज बोलिए। संजय निषाद। संजय निषाद, कहाँ से आए हम? गोरखपुर, UP CM। गोरखपुर से, तो गोरखपुर से तो और भी एक लोग हैं, कहाँ हैं ये? हैं गोरखपुर से, इनको भी दीजिए फोन माइक। क्या नाम है? संदीप जायसवाल, गोरखपुर। संदीप जायसवाल जी, तो क्या यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही हैं? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख कर के आ रहे हैं, उनसे मतलब उम्मीद से ज़्यादा यहाँ बेटर मिल रहा है। चलो ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रही सर? बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक, बैठ जाइए, इनको दे दीजिए। सर जी, मेरा नाम दिलीप तिवारी है। थोड़ा तेज़ बोलिए। मेरा नाम दिलीप तिवारी है, मैं भदोही ज़िला से हूँ और मुझे आए 2 दिन हुआ है, बट ये थ्योरी के हिसाब से जिस हिसाब से डिजिटल क्लास चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है, अदर इंस्टीट्यूट से काफ़ी और बेहद अच्छा है। तो यहाँ 2 दिन में मुझे बहुत कुछ समझ में आया, जो कि पूरी डिटेल के तरीके, पूरा डिटेल से समझाते हैं वो समझ में आता है। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम अरुण मौर्य है। अरुण मौर्य, और भी कोई था अरुण है? अच्छा, आप अरुण, अरुण मैं रायबरेली से। रायबरेली बरेली? रायबरेली ये वाले बरेली के, तभी तुम लोग पास में बैठते हो। जो आपका पढ़ाने का तरीका है वो बहुत नेचुरल तरीका है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो समझ में आ रहा है, मुझे छोटी से छोटी चीज समझ आ रही है। कैपेसिटी क्लास देते हैं तो प्रैक्टिकल कराते हैं ना तुरंत का तुरंत, ये जो चीज़ बताते हैं वो एग्जैक्ट में कराते हैं कि नहीं कराते? कराते हैं। चलिए थैंक यू। हाँ, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम विशाल रजक है, मैं सिवनी मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और यहाँ पर हर तरीके से प्रैक्टिकल और क्लासेस टाइम टू टाइम चलती हैं, यहाँ पर पढ़कर अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हाँ, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम संदीप कुमार है। क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार, थोड़ा तेज़ बोलो, अभी तो नए हो यार तुम।
मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। यहाँ सर जो भी पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बहुत स्लो बोले, डर रहे हैं क्या पहली बार कैमरा में आने से? हाँ बताइए भाई। नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु है, मैं उड़ीसा में आया हूँ। उड़ीसा से आए हैं जी सर। तो लग रहा है कि सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, इतने दूर से आए हैं तो आने का पर्पज़ पूरा होगा या नहीं होगा? सर सर जो पढ़ा रहे हैं सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। और जो डाउट है भी वो मल्टीमीटर से सर बता दे रहे हैं, वैसे को ऐसे टेस्टिंग करना है और सारे चीज़ सब सही से बता। ठीक, थैंक यू। इनको दीजिए माइक। कहाँ से हैं सर? मैं लोकल से हूँ सर। अच्छा, ये लोकल कानीपुर से हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम है। राम है, कैमरा देखिए बताइए राम। ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बस वही पूछ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, जैसा मैंने सोचा था कि जान में मुझे हार्ड वर्किंग होगा, लेकिन बहुत ही नॉर्मल और उससे इन्जॉयमेंट करके मैं इसको तैयारी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं अनूप, एमपी से। अनूप एमपी से। अच्छा, इनकी एक हम बात बताएं आप लोगों को, इनकी कंडीशन क्या थी जब आए? इन्होंने डेमो क्लास लिया, ठीक है, फिर इनका मन बिछला कि सर मुझे हार्डवेयर में अभी नहीं देखना, तो फिर हमने एक स्टूडेंट से जी एक ऑन फोन दिया। ऑन फोन से इन्होंने काम नहीं कि जो आप बताएं, तो जी पावर आईसी, सीपीयू आईसी, डब्ल्यूटीआर आईसी, ईएमएमसी आईसी जी तो इन्होंने कहा कि पावर आईसी ऑन फोन से आप निकाल के रिवॉल्व करके लगाइए, हम तब एडमिशन लेंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने आप एक फोन दिया जी सर, उसने आईसी निकाल ली, स्टूडेंट था एक ही में चला भी गया और फोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल ऑन हुआ। तब इनका एडमिशन हुआ, मतलब इनके दिल में तसल्ली हुई तब हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कोई भी हो आ सकते। अच्छा, हो भाई देखो सीधे चीज़ें हैं ना कि पैसे हम दे रहे हैं तो चीज़ें हैं कि सीखें तो ना फंस जाएँ, है ना, तो चीज़ें ऐसी भी होती हैं। आप सर बताइए। नानू राम सैनी। थोड़ा तेज भी। नानू राम सैनी कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से हैं, क्या मतलब कि लग रहा है आप जो सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, या तो मैं चीज़ें आपके साथ 7-8 साल से शॉप भी है? हाँ नहीं, सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, जो भी एक्सप्लेन करते हैं डायरेक्ट दिमाग में आता है। अच्छा, जो भी बताते हैं डायरेक्ट दिमाग में आता है, चलिए थैंक यू। हाँ और किसका आप? हाँ आप कहाँ बैठे हैं? मैं गुजरात से हूँ। पकड़िए इसको, गुजरात से हैं? गुजरात से। क्या नाम है? अजय नाम है, अजय पटेल नाम है सर जी मेरा। अजय पटेल नाम है। हाँ तो सीख रहे हैं आप यहाँ पे? कर पा रहे नहीं कर पा रहे? कर पा रहा हूँ सर, सब कुछ कर पा रहा हूँ। आप उस दिन डांस भी बहुत अच्छा कर रहे थे, सुनने मिला था हमें। हाँ सर जी। हैं मतलब फुल एंजॉयमेंट से, मतलब सब सब सीख रहे हैं। हाँ आइए आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर। रविंदर कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से हैं। अब ऑन बोर्ड वगैरह आप आई सी डी वॉल वगैरह कर पा रहे हैं? पावर सी पी एम एम सी कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं, थैंक यू। अरे ये छोटे भाई साहब, हाँ बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार। इसको पकड़िए, धीरज कुमार हैं जी। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। अभी ये बताइए, जैसे आपको कितने दिन हुए हैं? मेरा हो गया 15 दिन हो गया। आप ऑन बोर्ड पे काम कर पा रहे हैं? आईसी निकाल के रिवॉल्व करके लगा के ऑन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं। तो देखिए अभी कितनी एज है, आईसी एक बार में रिवॉल्व करके ऑन करके ऑन बोर्ड देते हैं, एक ही बार में ऑन कर देते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। आपसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं। हाँ बताइए। मेरा नाम जयवीर सिंह है, यूपी इटावा से हूँ। हाँ और मैं यहाँ पे सीखने आया था, मेरी भी दुकान थी 4 साल से, तो वहाँ दुकान थी तो मुझे लगा मैं हीरो हूँ वहाँ का। हाँ। लेकिन यहाँ आया पता चला मैं जीरो हूँ। अच्छा जीरू। तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे सर, और सर बहुत ही इजी तरीके से बताते हैं, केजी का बच्चा भी सीख जाएगा इतनी ईजी से बताते हैं। पहले बोर्ड पर बताते हैं, फिर चित्र बना के दिखाते हैं, फिर उसे टेस्टिंग करके भी बताते हैं। हमारा तो कोर्स कम्प्लीट हो गया और 5 दिन का रहेगा, हम तो जा रहे हैं, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ। थैंक यू। अच्छा और आप लोगों को कुछ कहना है? बिल्कुल रियलिटी बताओ, रियलिटी सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा? बढ़िया सिखाया जा रहा है। थैंक यू।